टीएमटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज 24। सावधान, नागपुर में तेजी से बढ़ रहा है आई फ्लू। आज हम टीएमटी न्यूज 24 के माध्यम से आपको बताएंगे आई फ्लू के लक्षण। आंखें लाल होकर सूज जाती है, आंखों से लगातार पानी आता है, सब कुछ धुंधला नजर आता है, आंखों से खून भी आ सकता है, पलकों पर सूजन आ जाती है, पलकें आपस में चिपक जाती है, खुजली, दर्द और गड़न होती है, तेज रोशनी खराब लगती है। ये सावधानी जरूर बरतें, आंखों को छुए या रगड़े नहीं। बच्चों के स्कूल बैग में सैनिटाइजर रखें, साबुन गर्म पानी से हाथ धोएं, सोने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस हटा दें, तौलिया, तकिया, मेकअप शेयर ना करें, स्विमिंग पूल में चश्मे का इस्तेमाल करें, इन्फेक्शन होने पर स्विमिंग ना करें, पानी से 2 से 3 बार आंखें साफ करें। आई फ्लू से ऐसे करें बचाव, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, आंखों पर बर्फ की सिकाई करें, इससे आपको जलन और दर्द से राहत मिलेगी, बार बार ठंडे पानी से आंख धोएं, डॉक्टर की सलाह से किसी एंटीबायोटिक ड्रॉप का इस्तेमाल करें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बरतें, संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की चीजें इस्तेमाल ना करें। नागपुर में आई फ्लू की जो मात्रा है बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ गई है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जिस प्रकार से जनरल अपने को सर्दी, खांसी और फ्लू होता है, उसी तरह से ये भी एक कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू जिसको अपन बोलेंगे, ये सभी दूर अभी फैला हुआ है। तो बड़ी मात्रा में मतलब हर पेशेंट के पास ये तो अपने को सिम्टम दिखाई देते हैं कि आंखों से पानी आना है, आंखों में खुजली होना, आंखें लाल होना, इस तरह से सिम्टम अपने को हर पेशेंट में दिखाई देता है। साथ में उसी के साथ अपने को बॉडी एक है, जैसे जी मचलना, इसके साथ में थोड़ा थोड़ा फीवर भी है और सर्दी खांसी, ये सारे मिक्स लक्षण जो होते हैं उसको अपन आई फ्लू ऐसे बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण अभी सब दूर चल रहे हैं, तो इसी के लिए तुरंत मतलब जैसे भी ये लक्षण आ जाते हैं तो आंखों के डॉक्टर के पास आंखों की जांच करानी चाहिए। घर में बैठ के मतलब ये ड्रॉप डालना, वो ड्रॉप डालना, ऐसा पेशेंट ने नहीं करना चाहिए, तुरंत उनकी जाँच करनी चाहिए।